नीलम का सर फूट जाता है और नीलम हॉस्पिटल पहुंच जाने वाली है। यहाँ पे सगाई भी जो है वो पोस्टपोन हो जाने वाली है। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे ऋषि और मलिष्का एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले होते हैं, वहीं देखेंगे मलिष्का तो अंगूठी पहना ही देती है लेकिन ऋषि जैसे ही पहनाने वाला होता है लक्ष्मी वहाँ पहुँच जाती है और ऋषि को रोकने लगती है। तभी नीलम कहती है ऋषि से कि ऋषि तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ लक्ष्मी को। और तभी यहाँ देखेंगे वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ती है और लक्ष्मी को रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन यहाँ पे देखेंगे सीढ़ियों में इतना ज़्यादा बलविंदर ने तेल फिरा दिया होता है कि जैसे ही वहाँ पे नीलम का पैर पड़ता है नीलम स्लिप हो जाती है और लक्ष्मी पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती है। यहाँ नीलम सीढ़ियों में ऊपर से एकदम नीचे गिर जाने वाली है और जब वो नीचे गिर जाती है सब दौड़ कर आते हैं और देखते हैं तो देखते हैं नीलम का सर फूट गया है। तभी जल्दी से वो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और नीलम को इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। यहाँ देखेंगे नीलम को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, सारे घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच जाने वाले हैं, सब लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं नीलम को लेकर। लेकिन यहीं पे तभी देखेंगे बात उठती है ये सब हुआ तो कैसे हुआ, या मलिष का सारा इल्जाम लक्ष्मी पे लगा रही होती है। वहीं पे आप देखेंगे शालू बहस करती और कहती है कि ये सब दी की वजह से नहीं हुआ है, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि नीलम आंटी बहुत हड़बड़ में थी और तभी ये सारा कुछ हो गया। यहाँ आयुष भी लक्ष्मी के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि ये सब लक्ष्मी की वजह से हुई है। यहाँ सारे घर वाले लक्ष्मी को ब्लेम करते हुए नजर आने वाले हैं।